दोस्तों आज है 11 मार्च 2019 और आज पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो खबर 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के और साथ ही में जो 20 रुपए के नए सिक्के आने वाले उसको लेकर है, और उसी के साथ जो 2000 रुपए के जो नोट है उसको लेकर भी बहुत बड़ी एक खबर सामने आ रही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत भगाइए, इस वीडियो को पूरे फास्ट से एंड तक जरूर से देखिएगा। अगर इस वीडियो को अगर पूरे ध्यान से नहीं देखते तो शायद आपको आने वाले दिनों में आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आगे मत भगाइए, इस वीडियो को पूरे फास्ट से एंड तक देखिए। और उसी के साथ आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर बहुत सारे नए नए अपडेट आ रहे हैं, तो ये सभी न्यूज देखने के लिए इस वीडियो को पूरे फास्ट से एंड तक देखिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस तरह के वीडियो अगर और भी अगर ज़्यादा देखना चाहते हो सब जरूर से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में सभी भारतीयों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के सबसे पहली खबर की बात करें तो ये आ रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जो स्कीम है उसको लेकर। तो इसके जो दूसरा जो किस्त है जिसमें आपको 2000 रुपये मिलने वाले, वो अगले 20 दिनों के अंदर सभी लाभार्थी के खाते में पहुँचा दिया जाएगा और ये करीब 2 करोड़ किसानों के खाते में ये पहुंचा दिया जाएगा, जो कि पहले एक बार पहुंचा दिया गया है। और अभी 20 दिनों के अंदर और भी आपको 2000 रुपये मिलने वाले हैं। और इसके बाद आपको तीसरी किस्त लेने से पहले आपको सभी किसानों का करना होगा आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो आपका जो तीसरा जो किस्त है वो आपको नहीं मिलेगा। और जब तक आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा तब तक लोकसभा चुनाव बीत चुका होगा। सो यानी कि आपको जो दूसरी किस्त है वो लोकसभा चुनाव के पहले और जो तीसरी किस्त है वो लोकसभा चुनाव के बाद मिलेगा। और आज की जो दूसरी खबर आ रही है वो पुलवामा के दूसरे आतंकी हमले को लेकर है। तो ये पर आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले हो सकते है पुलवामा की तरह और एक आतंकी हमला, राज ठाकरे ने जताई आशंका। जी हां, राज ठाकरे ने शनिवार को कहा है कि चुनाव में जीतने के लिए पुलवामा की तरह एक और घटना निकट भविष्य में घट सकती है। और ये पूरी बातें नरेंद्र मोदी का एक बयान को लेकर कहा है, जिसमें नरेंद्र मोदी कहा था कि राइफल विमान अगर होता तो पाकिस्तान के बालाकोट के आतंकवादी शिविर को वायुसेना द्वारा 26 फरवरी का ही बिल्कुल तबाह कर दिया होता। तो उसी बात को लेकर राज ठाकरे ने बताया कि फिर से और एक बार पुलवामा की तरह एक और घटना घट सकती है। सो इसका पूरा मतलब है कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस पुलवामा हमले का मेन जिम्मेदार है। और अभी तीसरा सवाल लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा सर्वे है, जिसका अगर आंसर अगर सही से देते हो तो आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा और साथ ही में आपको कुछ जनरल नॉलेज भी सीखने को मिलेगा। तो आज का जो सवाल है वो है कि 2019 का लोकसभा चुनाव कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट के बीच में हो सकते हैं। आपका आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर से बताइएगा और देखते हैं कितने सारे लोग सही आंसर दे पाते हैं। और आज का जो तीसरी खबर आ रही है वो NDTV की तरफ से आ रहे है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले PM मोदी ने 30 दिनों के अंदर निपटाए 157 काम। तो यह देख सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले PM मोदी ने 28 दिन के अंदर 157 प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। और बताया जा रहा है कि ये सभी प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए ये कर रहे हैं। तो यह आप देख सकते हैं 8 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में 57 प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी ने, योजना का लॉन्च किया है। और बताया जा रहा है कि ये सभी प्रोजेक्ट चुनाव में जीतने के लिए ये सभी किए जा रहे हैं। और आज का चौथा खबर, सरकार ने 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नए सिक्के जारी किए। तो प्रधानमंत्री द्वारा इंडियन करेंसी में एक और किया गया है बदलाव। तो यह पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने ये नए नए सिक्के ये लॉन्च जारी किया है। तो यह पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने नए नए कुछ सिक्के तो जारी किया है। तो इनमें अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो ये पर आप देख सकते हैं ये 20 रुपये के सिक्के, ये 10 रुपये के सिक्के, ये 5 रुपये के सिक्के और ये है 2 रुपये के सिक्के और ये है 1 रुपये के सिक्के। तो ये सभी नए नए सिक्के ये अभी जारी होने वाले हैं। और आज के अगली खबर लोकसभा इलेक्शन 2019 को लेकर आ रहे हैं। तो ये पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस NCP के गठबंधन के जल्द ऐलान संभव, 25 सीटों पर लड़ सकती है कांग्रेस। देश दुनिया के राजनीतिक सूत्रों से ये पता चले कि महाराष्ट्र में लगभग 26 सीटों पर कांग्रेस लड़ सकता है। और आज का जो आखिरी खबर आ रहा है वो 500 और 2000 रुपये के नोट को लेकर है। तो यह देख सकते हैं 500 और 2000 के नोट फिर से बने मुसीबत। तो ये खबर दरअसल 500 और 2000 रुपये के नकली नोट को लेकर है। जी हाँ, अभी तक 500 और 2000 रुपये के नकली नोटों की छपाई अभी तक रुकी नहीं है, आए दिन नकली नोट बनाने वाले गैंग पकड़े जा रहे हैं। तो अभी इसका मतलब आप सभी को 500 और 2000 रुपये के नोट को बिल्कुल सटीक तरह से आपको देख के आपको लेना चाहिए। और ये बात आपको कंफर्म कर दे कि आप जब भी ATM से या फिर आप अगर कोई बैंक से भी अगर पैसा निकलते हो तो भी आपका जो पैसे है उसको एक बार जांच करके लीजिए। सो यही थी आज का मुख्य खबर। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी एनेबल कीजिए। सो मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद।